हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में, पेब्लो नेरुडा 1994-1973 इज द पेन नेम ऑफ नेपताली रिकार्डो रेस बोसेटो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेराल इन चिली। पेब्लो नेरुडा का बॉर्न 1994 में हुआ था और डेथ हुई थी 1973 में। पेब्लो नेरुडा नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसोल्टो का उपनाम है। पेब्लो नेरुडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसोल्टो। तो पेन नेम मीन्स होता है उपनाम। तो पेब्लो नेरुडा का, यानी पेब्लो नेरुडा नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसोल्टो का उपनाम है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेराल इन चिली, जिनका जन्म चिली के पेराल कस्बे में हुआ था। नेरुडास पोएम्स आर फुल ऑफ ईजली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल। नेरुडा की कविताएँ विभिन्न प्रतिबिंबों से भरी हुई हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं। ओके, विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल, उनसे कविताओं का सौंदर्य कम नहीं होता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उन्हें 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet, introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में कविता शांत भाव से आत्मचिंतन करने पर बल देता है, ताकि मानव के बीच आपसी समझ गहराई तक विकसित हो सके। ओके, जो ये पोएम है इसमें नेरुडा शांत भाव से, ओके, इनकी क्वाइटी से जो है शांत भाव से आत्मचिंतन करने पर बल देते हैं। इनकी इंट्रोस्पेक्शन के लिए वो क्या देते हैं, बल देते हैं, नेसेसिटी मानते हैं उसको। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ताकि मानव के बीच आपसी समझ गहराई तक विकसित हो सके। ओके, मानव के बीच जो आपसी समझ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भावनाएं गहरी यानी कि गहराई तक विकसित हो सके, क्रिएट हो सके। ओके, नाउ बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। तो इट मीन्स कविता के शीर्षक द्वारा आपको क्या प्रकट होता है, आपके विचार से कविता किस बारे में है। ओके, नाउ आंसर इज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट वी मस्ट कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, देयर विल बी साइलेंस एंड ऑल वी सेट टुगेदर एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ कलेक्टिवनेस, हियर वी should not confuse stillness with total inactivity, life should go on as it is doing about। तो यहाँ पर हमें ये बताती है कि जो पोएम का टाइटल है वो ये सजेस्ट करती है कि हम जो हैं एक क्षण के लिए क्या रहें, शांत रहें। ओके, एक क्षण के लिए हम शांत रहें। देयर विल बी साइलेंस, तो इसमें क्या होगी, साइलेंस होगी। एंड ऑल वी सेट टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे। एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ कलेक्टिवनेस, और इससे हम अपनी कलेक्टिवनेस को क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रियलाइज़ करेंगे, जो हमारा मतलब जिससे कि हम एक साथ हुए हैं, सभी एक साथ हैं, तो जो ये समूह है जिससे कि हम एक साथ हुए हैं, तो इसकी वैल्यू को रियलाइज़ करेंगे। हेयर वी शुड नॉट कन्फ्यूज, तो यहाँ पर हम क्या नहीं होंगे, कन्फ्यूज नहीं करेंगे। स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी, तो इस टोटल इनएक्टिविटी के स्टिलनेस से जो है हम क्या करेंगे, लाइफ शुड गो ऑन एस, तो हमारी लाइफ ऐसी चलती जाएगी एस इट इज़ डूइंग अबाउट, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जो लाइफ है हमारी ऐसी चलती जाएगी अगर हम क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे। ओके, नाउ समरी ऑफ द पोएम, तो पोएम की समरी भी बताते हैं आपको। द पोएट सजेस्ट टू अस ऑल द ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू कीप स्टिल,
टू कीप साइलेंट एंड टू सस्पेंड अवर एक्टिविटीज़। इनकी पॉइंट हमें ये सजेस्ट करती है, इनके संपूर्ण मानव, इनके ऑल द ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू कीप स्टील। तो इस अर्थ के सर्फेस पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या रहें, स्टील रहें, ठीक है, इनकी शांत रहें, टू कीप साइलेंट और खामोश रहें, एंड टू सस्पेंड अवर एक्टिविटीज़, और हम अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करें, कुछ मिनट के लिए, क्षण के लिए बंद कर दें। इट विल बी एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर वी ऑल फील टुगेदर। तो ये हमारे लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट होगा, एक असामान्य क्षण होगा कि हम सब एक साथ हैं। वननेस इन अ सडन सरप्राइज, जिससे कि हमें एक बार एक सडन सरप्राइज भी होगा। दिस एक्ट विल प्रोवाइड सम मोमेंट्स टू इंट्रोस्पेक्ट क्वाइटली। इस कार्य से हम अपने आप को आत्मचिंतन के लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स। जब हम एक साथ रहेंगे तो हम खुद को समझने के लिए ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। इट विल गिव अस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इससे हमारे आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रहेगी, गहराई तक बनी रहेगी। वी विल फील सैड, यदि हम सैड फील करेंगे, बिकॉज वी नेवर अंडरस्टूड अवर सेल्फ। अगर हम सैड फील करते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाए। एंड वी थ्रेटन अवर सेल्फ विद डेथ, और हम डेथ से क्या होते हैं, खुद थ्रेटन्ड होते हैं। द अर्थ कैन टीच अस दैट एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर। तो अर्थ हमें ये सिखाती है कि जो प्रत्येक चीज़ है वो विंटर में डेड हो जाती है, ओके, मृत पड़ जाती है। बट एज द स्प्रिंग कम्स इन, एवरीथिंग बिकम्स अलाइव। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आती है, ठीक है, वसंत ऋतु आती है, तो हम वो चीज़ फिर से क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है। इनके अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती हैं, जीवित हो जाती हैं, ओके। दिस पीरियड ऑफ विंटर गिव्स अ रेस्ट, जो ये विंटर का पीरियड होता है ये हमें रेस्ट देता है। एंड लेजर टू द अर्थ, और इस अर्थ में हमें फुर्सत यानी कि लेजर आराम देता है। हैंस वी ऑल नीड रेस्ट, तो हम सबको किसकी ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। एंड लेजर फॉर वंस टू इंट्रोस्पेक्ट क्वाइटली, तो हम इससे क्या होंगे, इस लेजर और रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम एक बार अपने आप को क्वाइटली जो है क्या करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, ओके। नाउ हम अब पोएम पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे, ओके। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर दें, ओके। तो इस अर्थ पर हम क्या करें, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो पृथ्वी की सतह पर, ओके, अर्थ के फेस पर, फेस मतलब होता है यहाँ सरफेस, यानी कि सतह पर, चेहरा नहीं है तो उसकी सतह है, ओके। तो अर्थ के सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें, ओके, किसी भी लैंग्वेज में बोलना हम क्या कर दें, बंद कर दें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। आओ एक सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर दें, ओके। अपने जो क्रियाकलाप हैं आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्रियाकलाप के लिए हैं, तो उसको हम क्या कर दें, बंद कर दें, ओके। इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट विदाउट रैश विदाउट एंजेंस वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यह एकदम असामान्य क्षण होगा, हम बिना भाग दौड़ और बिना किसी वाहन के तेजी से, बिना किसी वाहन के तेजी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह एकत्रित हो जाएं, ओके। इनके अचानक आश्चर्य के साथ हम एक जगह क्या हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कभी चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय ठंडे सागरों में हेल मछली को ना मारे, ओके। कभी ये चाहता है कि जो फिशरमैन है वो उस ध्रुवीय ठंडे सागरों में, कोल्ड सी में, ओके, वेल मछली को ना मारे, जो वेल्स मछली होती हैं, ठीक है, उनको ना मारे, उनको हार्म ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वो अपने घायल हाथों का ध्यान रखे, ओके, वो अपने घायल हाथों का क्या रखे, ध्यान रखे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, ओके, जो प्रकृति के विरुद्ध जो है युद्ध करने की तैयारी करते हैं, रासायनिक बम और आग्नेय अस्त्र युद्ध में प्रयोग करते हैं, ओके, युद्ध में क्या करते हैं, वो प्रयोग करते हैं, युद्ध के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, ऐसी विजय अर्थहीन है, ओके, ऐसी विजय क्या है, अर्थहीन है। ऐसे लोगों को अपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए, ओके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ क्या करना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। पेड़ों की छाया में शांतिपूर्वक बैठकर आराम करना चाहिए, ओके, जो पेड़ों की छाया है, सेठ है, उसमें शांतिपूर्वक बैठकर आराम करना चाहिए, ओके, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, ओके। ऐसे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस, रासायनिक बम, वॉर्स विद फायर्स, आग्नेय अस्त्र युद्ध में प्रयोग करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ऐसी युद्ध के बाद कोई व्यक्ति क्या नहीं रहता, जीवित नहीं रहते, ओके, नो सर्वाइवर्स, कोई जीवित नहीं रहता, तो ऐसी विजय अर्थहीन होती है, ओके, ऐसी विक्ट्री क्या होती है, अर्थहीन होती है। तो ऐसे लोगों को वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो ऐसे लोगों को अपने स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए, इन द शेड डूइंग नथिंग, और पेड़ों की छाया में शांतिपूर्वक बैठकर आराम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ओके। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, इफ वी वर नॉट सो single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो कहते हैं कि जो मेरा तात्पर्य है, what I want should not be confused, जो मेरा तात्पर्य है, आप उसका पूर्ण निष्क्रियता का अर्थ लगाएं, ओके, आप उसका पूर्ण निष्क्रियता का अर्थ लगाएं, जो गलत होगा, ओके, जो क्या होगा, गलत होगा। मैं मृत्यु से संबंध नहीं होना चाहता, ओके, मैं किससे संबंध नहीं होना चाहता, मृत्यु से, मैं मृत्यु से संबंध नहीं होना चाहता। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ न करने के बारे में ही सोचते रहें, हम अपने आप को कभी ना समझ पाएँ और अपने आप को मृत्यु से डराएं, इससे उदासी उत्पन्न होगी और इस उदासी के विचार को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने में सहायक हो सकेगी, ओके। तो कहते हैं कि जिससे कि मेरा तात्पर्य है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जिससे ये मेरा तात्पर्य है, आप उसका पूर्ण निष्क्रियता का अर्थ लगाएं, उसमें यानी कि कन्फ्यूज ना हो, विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज़ व्हाट इट इज अबाउट, इनकी निष्क्रियता का जो इनएक्टिविटी है, ओके, उससे क्या लगाएं, उसका पूर्ण निष्क्रियता का अर्थ लगाएं, ओके, टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ लगाएं, जो गलत होगा, ओके, कंफ्यूज्ड होगा। तो बोलते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो स्ट्रेक विद डेथ, नो ट्रैक विद डेथ, तो कहते हैं कि मैं मृत्यु से संबंध नहीं होना चाहता, ओके, मैं मृत्यु से संबंध नहीं होना चाहता, मैं लाइफ के बारे में सोचता हूँ, बोलते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, तो कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ ना करने के बारे में ही सोचते रहें, ओके, कुछ ना करने के बारे में सोचते रहें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी कि कुछ ना करने के बारे में सोचते रहें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, तो हम
अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे और अपने आप को मृत्यु से डराएंगे। ओके, हम अपने आप को क्या करेंगे, मृत्यु से डराएंगे, डेथ से डराएंगे। इससे क्या होगी, उदासी उत्पन्न होगी। ओके, इससे क्या होगी, उदासी उत्पन्न हो जाएगी। और इस उदासी के विचार को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने में सहायक हो सकेगी। ओके, इस उदासी को तोड़ने के लिए एक विशाल चुप्पी की क्या होगी, सहायता होगी। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो कहते हैं कि शायद पृथ्वी पर पाए जाने वाली चीज़ों से हमें शिक्षा मिल सकती है। जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं जो मिलती हैं हमें, शायद हमें उससे क्या मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है। ओके, हम उस चीज़ का यानी कि उस चीज़ को हम सीख सकते हैं, हमें उससे शिक्षा मिल सकती है। ओके, एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती है। ओके, डेड प्रतीत होती है और कुछ समय बाद वह पुनः जीवित हो जाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ समय बाद वह क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप चुप हो जाएं और मैं चला जाता हूँ। ओके, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, आप सब क्या हो जाएंगे, चुप हो जाना और मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा। ओके, ये कौन बोलता है, पैब्लो नेरुडा। ओके, आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। तो इसमें इसका मतलब है कि साइलेंट, कीप साइलेंट का मतलब, कीपिंग साइलेंट का मतलब है कि हमें शांत रहना है। शांत किस बारे में रहना है, कि हमें कोई वॉर्स नहीं करनी है, युद्ध नहीं करने हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा क्या है, शांत रहना है, इसी के लिए हम क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।